शहर में लगातार एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। दीनदयाल नगर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट किया जा रहा है। दीनदयाल नगर क्षेत्र का एक निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत आइसोलेटेड कर लिया है। पॉजिटिव पाए गए युवक के परिजनों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही एडीएम जमुना भिड़े सहित प्रशासनिक अमला और दीनदयाल नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जनता को हो रही परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाना इस लॉकडाउन के दौर में कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया है। कांग्रेसियों द्वारा जनता की समस्या के निराकरण के लिए दो अलग अलग स्थानों पर किए गए प्रदर्शनों को पुलिस ने गैर कानूनी माना है। पुलिस ने दोनों मामलों में अलग अलग प्रकरण कांग्रेसियों के खिलाफ दर्ज किए हैं। सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क को पुनः दुरुस्त नहीं किए जाने से परेशान शेरानीपुरा जमात खाना क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी ने सड़क पर बैठकर समस्या हल कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेत्री के इस तरह के विरोध को लॉकडाउन अवधि में किए जाने से पुलिस ने इसे गैरकानूनी माना है। पुलिस ने प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी सहित अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के मामला दर्ज किया है। इसी तरह से लॉकडाउन की अवधि में जलकर की पेनल्टी वसूली किए जाने पर शहर कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। शहर कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन भी पुलिस की नजरों में गैरकानूनी था। पुलिस ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी कर चुके अजाद थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह हाड़ा की गत दिनों हृदयघात से मौत हो गई थी। प्रधान आरक्षक की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन के सहयोग से योद्धा कल्याण योजना के तहत प्रकरण बनाकर भोपाल भेजा गया था, जो स्वीकृति के बाद कलेक्टर रतलाम ने आदेश क्रमांक 495 दिनांक 28 मई 2020 जारी कर 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन ठीक दो दिन बाद एक दूसरा आदेश जारी कर इस महती योजना और मृतक परिवार के साथ मजाक ही किया गया। 30 मई को जारी दूसरे आदेश क्रमांक 512 में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह हाड़ा को पात्र नहीं मानते हुए उक्त स्वीकृति निरस्त कर दी गई। अब सवाल तो यह उठता है कि जब रतलाम जिला प्रशासन ने मदद कर मृतक परिवार का प्रकरण भेजा गया जो भोपाल से स्वीकृत हुआ, जिसके नियमानुसार सूचना कलेक्टर ने मृतक परिवार को भी दी, लेकिन दो दिन बाद ही अपात्र मानना नियमों में नहीं आना वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता ही है कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील प्रकरणों का बिना किसी अध्ययन के स्वीकृति तो दी जाती है, जो बाद में हास्यास्पद साबित होकर योद्धा कल्याण योजना पर ही सवाल खड़ा करती है। मृतक की पत्नी हेमलता हाड़ा ने एन टाइम्स को बताया, मोचीपुरा मजाद थाने में कंटेनमेंट एरिया में नौकरी की उन्होंने, 8-10 दिन तो घर भी नहीं आए, वही नौकरी की, फिर वहीं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा हुआ, घर आए वैसा हो गया। इसमें आपको पुलिस विभाग की तरफ से कोई मदद मिली क्या? एसपी और कलेक्टर ने मदद की थी, हमारी पूरी सहायता की थी, पूरा विभाग ने, और 50 लाख का वो बताया था हम लोगों को, और फिर भोपाल से आदेश आया कि ये निरस्त किया जाए। उनको पहले किस तरह से प्रकरण के लिए कोई आवेदन वगैरह दिया था कि आपने 50 लाख की मदद की? हाँ दिया था। उन्होंने लिखवाया था? पूरे स्टाफ वालों ने और एसपी कलेक्टर ने सब ने हमारी सहायता पूरी तरह से की। अब ये प्रकरण अगर भोपाल से निरस्त होता तो आप क्या कहेंगे? अब सरकार की मर्जी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल द्वारा पालकों को मैसेज भेजकर लॉकडाउन अवधि की फीस भरने के मामले में अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाराज है। परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास मिलने पहुंचे, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोश जताया। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को उनकी इस लापरवाही पर उनके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात भी कही। अभी 3-4 दिनों पहले सेंट जोसेफ स्कूल का एक मामला आया था, वहाँ के जो स्टाफ है स्कूल का स्टाफ वहाँ पे वहाँ के छात्रों को मैसेज करके ये बताया जा रहा था कि 6 जून तक अगर फीस जमा नहीं करी तो आपके एडमिशन निरस्त कर दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने बोला 30 जून तक कोई भी स्कूल किसी भी पालक पे दबाव नहीं बनाएगा। इसी जानकारी के लिए हम शिक्षा अधिकारी महोदय से फोन पे बात करने का संपर्क करना चाहते थे, पर शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर हमने हमारे साथी कार्यकर्ताओं को बोला तो साथी कार्यकर्ता ने फोन लगाया, उसके बाद ही शिक्षा अधिकारी महोदय का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जिला शिक्षा अधिकारी काई के लिए बैठे हैं यहाँ पे, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती क्या स्कूलों के प्रति? आए दिन हम ये चाहते हैं कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और शिक्षा अधिकारी का जो रवैया है, इस रवैये के खिलाफ अभी हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देंगे और जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन की मांग करेंगे। शास्त्री नगर स्थित नाले की लंबे समय से सफाई नहीं होने से परेशान क्षेत्रवासी सफाई की मांग कर रहे थे। नगर निगम ने कुछ दिन पहले यहां जेसीबी मशीन से नाले की सफाई शुरू करवाई थी, लेकिन गंदगी अधिक होने से जेसीबी हटाकर बुधवार से पोकलैंड मशीन से सफाई शुरू करवाई है। पोकलैंड मशीन नाले में अंदर उतर कर सफाई करेगी। इस नाले की सफाई होने से बरसात में जल भराव और नाला जाम होने जैसी दिक्कतों से बचा जा सकेगा। शहर के बड़े नालों की सफाई को लेकर लगातार एन टाइम समाचार प्रसारित कर इस समस्या पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है। शास्त्री नगर नाले की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण होने पर क्षेत्रीय रहवासियों ने आपत्ति ली है। क्षेत्रीय नागरिकों की आपत्ति पर पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी और निगम इंजीनियर विकास मरकाम भी मौके पर पहुंचे, जहां क्षेत्रीय रहवासियों ने अवैध निर्माण होने से नाले का पानी रुकने की समस्या बताई। निर्माणकर्ता रमेश चंद पंत मौके पर किए जा रहे निर्माण का नक्शा और अनुमति के दस्तावेज लेकर नहीं पहुंचे। पटवारी और निगम इंजीनियर ने निर्माण कार्य रोक कर समूचे दस्तावेज और अनुमति की जांच के बाद ही निर्माण करने के आदेश दिए। इस मामले में पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी ने एन टाइम को बताया, लग रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है सर नाले पे, सर क्या मामला है, क्या आदेश दिए गए? मिस्टर रमेश चंद जी पंत यहाँ पे कुछ निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने पिलर विलर खोद के कुछ नींव भरी है, तो उस संबंध में उनके दस्तावेज चेक करे गए हैं, तो उन्होंने टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नक्शे से उसका मिलान करेंगे और फिर नगर निगम के इंजीनियर आके उसका सीमांकन करेंगे, उसके बाद इसको क्लियर करके और फिर यदि कोई अतिक्रमण होता है तो उसको हटा देंगे। सर सरकारी नालियों पर भी अतिक्रमण कर रखा है सर? अभी नहीं कह सकते अतिक्रमण, पहले नगर निगम वाले सीमांकन कर लें उसके बाद बोलेंगे अतिक्रमण है कि नहीं। किए जा रहे निर्माण पर शास्त्री नगर के रहवासियों का कहना है कि नाले के ऊपर जो मकान बन रहे हैं पानी का निकास बंद हो जाएगा, भविष्य में मकान डूबेंगे, जवाबदार कौन रहेगा? सरकारी जमीन तो बिकती नहीं, वैसे और बिक गई है तो पानी का निकाल करा जाए हर तरह से। हम शास्त्री नगर वाले और कुछ मांग रहे हैं, हमको हमारे नाले क्षेत्र पर नाप के दिखाया जाए और नाले क्षेत्र पर जो चौड़ा करा जाए, जो जमीन सरकारी बिकी हुई है उसको कैंसिल करी जाए, नहीं तो नाला का पानी जो घरों में वैसे ही घुसता वैसे ही डूब जाएगा। ऐसा कहना है कि सभी जो नाले के ऊपर यहाँ पर एक अवैध निर्माण के रूप में हो रहा है, तो इसके हम सरकारी नफ्ती चाहते हैं और साथ में नाले की नफ्ती भी चाहते हैं, किसकी ज़मीन है वो सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अभी कुछ चौधरी साहब ने बताया कुछ एडिशनल रजिस्ट्री हुई है नगर सुधार न्यास से, उस समय एडिशनल रजिस्ट्री हुई है 12/30 की, तो जब सरकारी ज़मीन उस समय हमारा भी घर उस समय तोड़ के नाले में जब जमीन ली गई थी तो इसको भी उसमें मर्जित किया जाए। कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने बताया, इस मामले में निगम इंजीनियर विकास मरकाम ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कुछ कहा जा सकता है। शास्त्री नगर नाले की सफाई को लेकर पोकलैंड मशीन के माध्यम से कराई जा रही थी, यहां पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि दीपक पंत जी का ये प्लाट है और वे यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया से देखकर लगता है कि यह प्लाट का निर्माण जो किया जा रहा है वह सरासर नाले के अंदर जाया जा रहा है, तो क्षेत्रवासियों ने मिलकर आज तहसीलदार साहब को और नगर निगम के कमिश्नर साहब को और उनको अवगत कराया था, और यहाँ साइड इंजीनियर विकास मरकाम जी और पटवारी साहब तेजवीर जी चौधरी साहब आए थे, उन्होंने दीपक पंत जी को काम बंद करने का बोला है और इसकी नप्ती का बोला है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि प्लाट की नप्ती के साथ साथ नाले में जो शासकीय जमीन है उस पर अतिक्रमण ना हो, क्योंकि भविष्य में जोर से पानी आएगा बारिश के दिनों में तो क्षेत्र में पानी भर जाएगा, जलमग्न होने की संभावना है, तो प्रशासन से मांग है कि निष्पक्ष जाँच करते हुए कार्य करें। विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त होकर अब पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कोविड-19 में अपनी ओर से भी आर्थिक सहायता प्रदान की है। कोरोना महामारी के कारण जारी संकट में देश में हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है, ऐसे में विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी कहां पीछे रहते।
विद्युत मंडल के पेंशनधारियों ने करीब 56,000 की राशि एकत्र कर SDM लक्ष्मी गामण को सौंपी। पेंशनरों ने यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम ड्राफ्ट से सौंपी है। कोविड-19 और कोरोना महामारी से आज हमारा देश संकट की घड़ी में खड़ा है। ऐसी स्थिति में देश के साथ हमारा अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध होकर के संगठन ने निर्णय लिया कि देश के साथ में अपने भी योगदान के लिए देश को जो है त्याग तपस्या और समर्पण से संयोग में खड़े रह करके सभी पेंशनरों ने तय किया कि जो है स्वेच्छा से जो भी श्रद्धा से अपनी जो है अनुग्रह राशि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कोष में मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से 56,600 का जो है DD बनवा करके आज कलेक्टर मैडम के माध्यम से दिया जा रहा है।